हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉलीवुड की एक बेहद खास हॉरर थ्रिलर फिल्म। हमारी आज की फिल्म है पैरासाइट पार्ट वन। फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है कि समुद्र से बहुत सारे अजीब जीव निकलकर शहर की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें परजीवी कहते हैं। इनमें से एक परजीवी निकलकर एक आदमी के कान में घुस जाता है और एक लड़का जिसका नाम शिनिजी है उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसने हेडफोन लगाया था तो परजीवी उसके दाहिने हाथ में घुस जाता है। वो कसकर छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो हाथ के अंदर जा चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिस आदमी के कान में परजीवी गया था वह अजीब व्यवहार करता है और उसकी पत्नी के सामने आने पर उसका सिर खुल जाता है और परजीवी की तरह बड़ा हो जाता है और वह अपनी पत्नी का सिर खा जाता है। दूसरी तरफ शिनिची, जिसके हाथ में पैरासाइट चला गया था, वह भी अजीब व्यवहार करता है। उसके साथ स्कूल में भी अजीब घटनाएं होती है, जैसे उसके दाहिने हाथ में बहुत ताकत आ गई हो। वो अपने घर आता है और हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ आगे बढ़ता है और उसे रोक लेता है और उसका हाथ एक प्राणी में बदल जाता है और अब वो सारी चीज इंसानों की तरह करता है, जैसे शिनिची की किताबें भी पढ़ता है और लैपटॉप चलाता है। वो प्राणी अपना नाम मिगी बताता है। अब मिगी और शिनिची में दोस्ती होने लगती है, लेकिन बाकी के लोग जिसे परजीवी ने संक्रमित किया था इंसानों को मार रहे थे। अब शिनिची एक रेस्टो में जाता है जहां पर बहुत से लोग परजीवी से संक्रमित हैं और ये इंसानों को मार के खा रहे थे। इनको पता चल जाता है कि शिनिची भी प्रभावित है। वो उसको भी इंसानों को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तब एक परजीवी उस पर हमला कर देता है, लेकिन मिगी उसे बचा लेता है। अब मिगी के कारण शिनिची को आसपास के परजीवी के बारे में पता चल जाता है। वह जब स्कूल जाता है तब उसको पता चलता है कि उसकी मैडम भी एक परजीवी है और टीचर को भी पता चल जाता है शिनिची एक परजीवी है। टीचर शिनिची को कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूंगी। वो उसको दो और पैरासाइट के पास ले जाती है, जिसमें से एक स्टूडेंट होता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर जो उसका पति था। टीचर शिनिची को बताती है कि हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी नॉर्मल इंसान होगा, इसीलिए मैं इंसानों को कुछ नहीं करती। हम छुपकर मांस खाते हैं तो क्या तुम भी हमारे ग्रुप में रहोगे? लेकिन शिनिची उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन शिनिची के पास टीचर का पति आता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिगी उसे बचा लेता है और टीचर का पति जो कि पुलिस अधिकारी था मर जाता है। लेकिन वो पैरासाइट पुलिस ऑफिसर की बॉडी से निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है और वो शिनिची की मां होती है। उसकी मां भी पूरा संक्रमित हो जाती है, लेकिन शिनिची उसे मार नहीं पाता क्योंकि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसकी मां उस पर हमला कर देती है और शिनिची का बहुत खून निकलता है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह मिगी उसको बता है कि उसके घाव उसने अपने सेल से ठीक कर दिए। अब वो पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है क्योंकि उसकी कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं और मिगी ने अपनी कोशिकाओं से उसे ठीक करा है, इसलिए उसके शरीर में संक्रमण हो गया है। अब शिनिची अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते टीचर के पास जाता है और पुलिस अधिकारी के बारे में पूछता है, लेकिन टीचर कुछ नहीं बताती। फिर वो घर आ जाता है। मिगी को पता है कि उसके सेल्स से शिनिची के घाव भरे हैं, तो कुछ इंसानों जैसे लक्षण उसमें भी आ गए। अब उसको भी 4 घंटे सोना पड़ेगा, जिसमें वो शिनिची की कोई मदद नहीं कर पाएगा। साथ ही शिनिची के शरीर में भी पावर आ गई थी क्योंकि वो संक्रमित हो गया था। अब वो स्टूडेंट जिसे टीचर ने मिलवाया था जो पैरासाइट्स है, शिनिची से दोस्ती का दिखावा करता है अब, लेकिन धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स को मार देता है और शिनिची के दोस्त पर भी हमला कर देता है, लेकिन शिनिची उसे बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। तब टीचर आ जाती है और स्कूल बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देती है, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट पकड़ा गया तो उसका राज भी खुल जाएगा। लेकिन किसी तरह वो स्टूडेंट परजीवी बच जाता है और दूसरी बिल्डिंग के टेरिस पर चढ़ जाता है। वहां शिनिची पहुंच जाता है और तीर से उसको मार देता है। अब वह टीचर के पास जाता है और पुलिस अधिकारी का पता पूछता है। तब टीचर उसे पता बताती है। वह पुलिस अधिकारी के परजीवी उसकी मां में होने से उसकी मां भी मिल जाती है, लेकिन शिनिची की मां उस पर हमला कर देती है और शिनिची अपनी मां के परजीवी को भी मार देता है, जिससे उसकी मां भी मर जाती है। अब शिनिची अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाता है। वहां कोई जासूस उनकी तस्वीरें क्लिक करता है और इस फिल्म का पार्ट 1 यही खत्म हो जाती है।